दोस्तों, अगर आप एक Redmi 7A के डिवाइस के यूज़र हैं तो आपको भी ज़रूर ज़रूर एक प्रॉब्लम हमेशा रहता होगा आपके फ़ोन में, जो कि है स्टोरेज को लेकर। क्या होता है दोस्तों, Redmi 7A जो डिवाइस है, इसमें काफ़ी कम स्टोरेज के साथ ये डिवाइस लॉन्च हुआ है, जिसके वजह से दोस्तों जितने भी यूज़र हैं इसके, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज का प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज भर जाता है बिना कुछ, अगर वो कुछ रखते भी नहीं फ़ोन में, ना वीडियो रखते हैं, ना फोटो रखते हैं, ना ज़्यादा ऐप्स रखते हैं, फिर भी उसका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। जिसका दोस्तों वजह है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अदर फाइल्स आ जाता है, बहुत सारा ऐसा फाइल्स है जो कि टेम्प्रेरी फाइल होता है, वो सभी मिलकर यहाँ पर स्टोरेज भर देते हैं। ठीक है, तो आज का इस वीडियो को दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ किस तरह से आप स्टोरेज को क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी डिलीट आपको करने की जरूरत नहीं है, स्टोरेज आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्टोरेज खाली हो जाएगा आपके फ़ोन में। उसके बाद आपको किसी भी ऐप्स को इंस्टॉल करने में या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करने में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी आप भी अगर चाहते हैं इस टाइप का, मतलब अपने फ़ोन को क्लीन करना, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो में ज़रा सा भी कुछ पसंद आएगा तो एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ले जाता हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरा फ़ोन का स्क्रीन। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको स्टोरेज से प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले दोस्तों आपको सबसे जो पहला स्टेप है वो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप देखने को मिलता है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला जो ऐप है ये वाला, ये जो ऐप है दोस्तों क्लीनर का ऐप है। ठीक है, इसको करना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा कि जितने भी आपके फ़ोन का जो जंक फाइल है, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा MB है, वहाँ पर निकाल देगा। तो दोस्तों, मैंने इसे अभी तुरंत ही क्लियर किया था, यहाँ इसलिए यहाँ पर 2 MB दिखा रहा है। अगर आप अपने फ़ोन में कभी भी नहीं करते होंगे ना क्लीन, तो यहाँ पर आपको 300 MB, 400 MB, 500 MB, बल्कि किसी किसी फ़ोन में ना आपको 2 GB, 3 GB तक भी दिखा देगा। ठीक है, जैसे ये मेरा 2 MB दिखा रहा है ना, इसको मैंने क्लीन किया। ठीक है, तो ये क्या होगा ना, आपके फ़ोन में लगभग लगभग किसी के फ़ोन में 300 MB, 400 MB जितना होगा सब क्लीन हो जाएगा और उतना स्टोरेज आपके फ़ोन में खाली हो जाएगा। आप चाहो तो स्टोरेज जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपका उतना MB का स्टोरेज खाली हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, मैंने इसे अभी तुरंत ही टेस्ट करने के लिए किया था, इसके लिए यहाँ पर कुछ भी मेरा दिखा नहीं रहा है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर आगे, यहाँ पर डीप क्लीन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो अपने अच्छे से कि आपके फ़ोन में क्या चीज़ की वजह से इतना स्टोरेज भरा हुआ है। ठीक है, अच्छे से आप देख सकते हो ऐप्स में कितना स्टोरेज लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 GB, लगभग 6 GB यहाँ पर मेरा ऐप्स यूज कर रहा है, कौन सा ऐप्स मेरा कितना GB यूज कर रहा है देख सकते हो। हॉटस्टार 4.40 GB यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम 397 MB यूज कर रहा है, सारा यहाँ पर दिख जाएगा। और जो भी ऐप्स आपको लगता है कि बेकार है, उसको आप यहाँ पर टिक कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ अनइंस्टॉल करोगे तो एक बार में आपका इतना स्टोरेज खाली हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं डिलीट करना चाहता, नहीं अनइंस्टॉल करना चाहता, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर बिग फाइल में जाओगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एक 653 MB का फाइल आ रहा है, जो कि MAIN कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, जो कि दोस्तों ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको अगर आप डिलीट कर दोगे ना, तो आपके फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो इसको अगर आप चेक करना चाहते हो ना कि ये है क्या, तो इसको इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर क्लिक करोगे ना तो व्यू इन फोल्डर में जाओगे तो आपको ये फोल्डर में ले जाकर बता देगा कि ये कौन सा फाइल है। ठीक है, जिससे कि आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पर फोल्डर में आपको इसमें कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। ठीक है, हाँ देख सकते हो ये मिल रहा है, ये OBB है दोस्तों। ठीक है, ये OBB है, ये शायद फ्री फायर, हाँ दोस्तों ये फ्री फायर का OBB है। ठीक है, तो इसको डिलीट मत करना। ठीक है, नहीं तो फ्री फायर आपका चलना बंद हो जाएगा। सिर्फ OBB फाइल अगर आता है आपका तो ही डिलीट मत करना, नहीं तो और OBB के अलावा अगर कुछ और आता है तो आप डिलीट कर देना, आपका स्टोरेज खाली हो जाएगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप और भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, जितना भी फाइल है सारा आप यहाँ पर उसी तरह से देख देख के आप अपने तरह से डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको डिलीट करना है और क्या आपको डिलीट नहीं करना है। तो आगे आप देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पर मेरा शो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको टोटल स्टोरेज खाली हो जाएगा और बहुत सारा अदर फाइल भी खाली होगा। मैं आपको स्टोरेज में दिखाता हूँ कि स्टोरेज कितना भरा हुआ है, एक मिनट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में भी जो भी आपका फालतू ऐप्स है, मतलब वीडियो वीडियो जो भी फालतू है, वहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के बाद SD कार्ड स्टोरेज, स्टोरेज में जाओगे तो यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन देता है, यहाँ पर क्लीनअप का ऑप्शन देता है, एक मिनट, ये तो वही चीज़ हो गया। तो यहाँ से आप क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्टोरेज दिखाएगा कि आपका कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, देख सकते हैं 71% मेरा यूज्ड है। ठीक है, और यहाँ पर आपका अदर फाइल देख सकते हैं 15.33 GB है। ठीक है,
तो उस टाइप का जो अननोन फाइल के बारे में मैंने बात किया ना, जैसे कि OBB हो गया, OBB भी इस अदर फाइल में ही आता है, ठीक है। अगर OBB डिलीट हो जाएगा तो अदर फाइल से खाली होगा। उस टाइप का जितने भी अननोन फाइल है, अगर कुछ टाइप डिलीट करते हो तो ये अदर फाइल डिलीट होता है, ठीक है। बाकी अगर आपको अदर फाइल के बारे में भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो जरूर जरूर बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सब कुछ तरीका था दोस्तों, जिससे कि आप अपना जितना भी फ़ोन का स्टोरेज है उसको आप यहाँ पर क्लीन कर सकते थे। और बाकी अगर आप चाहते हो कि और क्लीन करना, ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है और फ़ोन लेक कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि अपने फ़ोन को एक बार बैकअप लेके, मतलब कि जो भी आपका फ़ोन में इंपॉर्टेंट डाटा है उसको आप किसी और फ़ोन में रख सकते हो या फिर कंप्यूटर में रख सकते हो। ये उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फुल डेटा फैक्ट्री रिसेट मार सकते हो, जिससे कि आपका फ़ोन में सारा चीज़ डिलीट हो जाएगा, उसके बाद ही बहुत ज़्यादा स्टोरेज आपका खाली हो जाएगा, बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसा फाइल होता है जो कि हम लोग यहाँ पर खोज नहीं पाते, डिलीट नहीं कर पाते, ठीक है, तो उससे ज़्यादातर खाली हो जाता है। बाकी अगर आप नहीं चाहते फॉरवर्ड मारना, तो फिर आप जो भी ट्रिक मैंने इस वीडियो में आज बताया उसको आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और पसंद आ गया हो तो एक लाइक करके चैनल को भी नीचे सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।